शिवनी में महंगाई का विरोध अजीबोगरीब तरीके से जताया जा रहा है। राजा मुबीन और उसकी टीम के साथ ही बैंक में टमाटर खरीदने के लिए लोन मांगने पहुंच गए। वर्तमान में टमाटर एवं सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। किसानों और छोटे व्यापारियों की जगह बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं। आम जन परेशान है। शिवराज सरकार और भाजपा आंख मूंदे बैठी है। बेतहाशा महंगाई के इस दौर में टमाटर और सब्जी खरीदने के लिए भी लोन लेना पड़ सकता है। इसीलिए राजा मुबीन और उनकी टीम के साथी आज टमाटर के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे और बैंक से लोन की मांग की। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। आज हम अपनी टीम के साथ और सभी महिलाओं के साथ यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खड़े हुए और टमाटर की जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ती कीमत है उसी तारतम्य में हम यहाँ पे लोन लेने के लिए आए, क्योंकि हमने सुना है कि शिवराज सिंह जी जो युवाओं के कल्याण की बात करते हैं, किसानों के कल्याण की बात करते हैं, आम जनों के कल्याण की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से सब्जियाँ बेतहाशा महंगी, गैस सिलेंडर महंगा, सब कुछ महंगा है, और टमाटर तो बहुत ही महंगा है, अभी वर्तमान में 120 रुपए किलो बिक रहा है। तो हम सब यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आए कि ताकि हमारी मांग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सुनी जाए और हमें लोन जो है दिया जाए, ताकि हम जो आम लोग हैं वो लोन लेकर सब्जियाँ खरीद सकें। तो टमाटर के लिए विशेष तौर से लोन लेने आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई है उसको देखते हुए बैंकों को भी निर्देशित करेंगे कि आम जनों के लिए अब कम से कम बैंक में सब्जी लेने के लिए, टमाटर लेने के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध। तो अब हम सब लोग आए हैं यहाँ पे और चाहते हैं कि अब हमें टमाटर और सब्जी खरीदने के लिए लोन उपलब्ध हो। तो मैनेजर साहब से हम मिले तो मैनेजर साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपकी मांग पर विचार करेंगे और हम चाहते हैं कि बैंक लोन मिले टमाटर खरीदने के लिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।